Today in our class we will read about the permanent settlement. Permanent settlement. Lord Karnavali introduced. Lord Karnavali introduced here, Larry here, this settlement. This settlement को in 1793 में से settlement को उन्होंने introduced किया, पारित किया. This system was also called जमीदारी बंदोबस्त. और इस सिस्टम को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू द जमींदार्स पर मेड, अकॉर्डिंग टू इट जमींदार्स मेड द ऑनर ऑफ द होल लैंड. जो जमींदार थे वो पूरी जमीन के मालिक हो गए. इंडियन जमींदारी, जो भी जमीन उनकी जमींदारी में आती थी उसके वो ऑनर हो गए. एज लॉन्ग एज दे पेड दियर ड्यूज, जब तक कि वो अपने ड्यूज को पेड करते थे टू द स्टेट राज्य को. एंड वर्क एज एजेंट्स, और वो वर्क करते थे एजेंट के रूप में ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, टू कलेक्टिंग रेंट, लैंड रेवेन्यू. और जो लैंड रेवेन्यू थी उसको कलेक्ट करने का जो वर्क था, मतलब उसके लिए हेल्प करते थे गवर्नमेंट की. द मेन पार्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट आर गिवन बिलो. नंबर फर्स्ट, इट क्रिएटेड द क्लास ऑफ लैंड. इसने न्यू क्लास क्रिएट किया लैंड लॉर्ड्स का, इन द फॉर्म ऑफ द जमींदार. जमींदार के रूप में mostly landlords became the जमींदार्स of the land. They became the political enemies of the British. और वो ब्रिटिश लोगों के, अंग्रेजों के political, राजनीतिक सहायक हो गए अंग्रेजों के. They provided financial security, और उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी गई टू द जमींदार. जमींदारों को many of the beast land and forest became cultivated. और ज़्यादातर जो बेकार जमीन, जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी, beast land became कल्टीवेटेड, वह खेती योग्य हो गई. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज द लार्जेस्ट सम. और जो परमानेंट सेटलमेंट था वह सबसे बड़ा सम था दैट कुड बी रिसीव, जिसे रिसीव किया जा सकता था फ्रॉम द लैंड. जमीन से टैक्सेस बिगेन टू बी कलेक्टेड बाय ऑपरेशन मेथड्स. और जो टैक्स थे उन्हें बहुत कष्टदायी मेथड्स के द्वारा, दंडात्मक मेथड के द्वारा उन्हें कलेक्ट किया जाने लगा. राइट टैक्स इनटू लैंड, परमानेंट सेटलमेंट.